हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा हम लेट हो गए। और क्या था, हमारी यूट्यूब के अलावा एक और क्लास होती है गोकी में, तो वहां हम ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे। वहां का टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया था और हम बह गए थोड़ा, 10 मिनट 15 मिनट, क्षमा। और अभी का सेशन शुरू करते हैं। 10 पहले 10 सवालों के जवाब हम देंगे, पहले 10 लोगों के, 1 पर्सन एक ही सवाल पूछे, रूल्स रेगुलेशन आप जानते हैं। और अगर आपका सवाल पहले 10 लोगों में नहीं आता है, मान लीजिए, तो अगली बार या इस बार ही आप सुपर चैट करके अपना सवाल ऊपर डाल सकते हैं। सुपर चैट इज बेसिकली अ डोनेशन, राइट? उसमें बेसिकली आप हमारे इस चैनल को डोनेट करते हैं कि भाई हम अपना काम करते रहें और बेहतर करें और बेहतर करें, राइट? सो दैट डोनेशन अपने हिसाब से जितने आपकी श्रद्धा कर सकते हैं, सो दैट इज वेयर वी स्टैंड। और अब हम सवाल लेना शुरू करते हैं, लाइव चैट्स मैं लेना शुरू करता हूं, राइट? सो पहला सवाल है मिस्टर पी एस, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पार्किंसंस डिजीज, व्हाट स्टेप्स टू टेक डाउन। ओके, विल डू दैट। पार्किंसंस पे मुझे भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट ठीक है। बट या राइट नाउ आई कैन टेल यू दैट यू कैन फॉलो डैश डैट, DASH डैश डैट अगर आप फॉलो करते हैं। ऑलराइट, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा एरर आ गया था। ओके, एट्रिक शर्मा जी को फील्स गैस बिलो द नेवल, पासेस गैस टू बट डिसकंफर्ट, नो बिग पेन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसपेप्सिया हैज डन, आफ्टर दिस डिसकंफर्ट स्टार्टेड, व्हेन आई प्रेस बिली डाउनवर्ड इट फील्स बेटर, कम्स एंड गोन 5-8 महीने। देखो, इसको नहीं बता सकते, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप एक काम करो, आप मुझे डॉकवाइज एप्लीकेशन में आके अपने रिपोर्ट्स भेजो, आई विल गेट अ क्लियर आइडिया कि क्या हो रहा है, बिकॉज ये कन्फ्यूजिंग सा है। आप अपना अपने रिपोर्ट्स, अपने ट्रीटमेंट, अपना डाइट, अपना एज, अपने प्रीवियस डिजीज, वो सब देखना पड़ेगा। डॉकवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कैसे करना है बताया हुआ है, राइट? उससे मुझे अपना भेजिए। थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड मेक श्योर टू टीच माय वीडियोस, माय नॉलेज टू एवरीवन। ओके सर, आई एम फॉलोइंग अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, विनीत गौर जी बोल रहे हैं, एंड डैश डैट स्टिल गेटिंग एक्ने ऑन माय चीक एंड फोरहेड एट रेगुलर इंटरवल, व्हाट टू डू? यू हैव टू एडजस्ट योर स्किन रूटीन, आपको एडजस्ट करना होता है हर बार। एडजस्ट इन द सेंस, अगर आप ले रहे हो, देखो नॉर्मल स्किन रूटीन में 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन यू हैव टू सी बेटर हो रहा है, कुछ दिन के लिए बेटर वर्स होता है पहले। अगर आप ले रहे हो बेंजोइल परोक्साइड, तो आप उसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। अगर उससे कोई इशू हो रहा है, स्किन इरिटेशन या कुछ हो रहा है, तो यू कैन शिफ्ट टू ग्लाइकोलिक एसिड 6%। 6% ग्लाइकोलिक एसिड को हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन, उसके सेंसिटिव यूज कर सकते हैं रात को, उन सब से आपको बहुत फायदा होगा। और कई बार आपके हार्मोनल्स इफेक्ट करते हैं, कई बार आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सो रिमेंबर टू टेक डाउन एवरी सिंगल फैक्टर। एक्ने वाला वीडियो, फुल डिटेल वीडियो देख के हर फैक्टर को चेकमार्क करो, ये मेरा पूरा कंट्रोल में है, 100% थिंक अगेन व्हाट एल्स आई कैन डू बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ईच फैक्टर को एड्रेस करो, ठीक होगा, राइट? टेक अ हेल्प ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और यू कैन कंसल्ट मी ऑन डॉकवाइज एप्लीकेशन, आई विल डू व्हाट एवर आई कैन। डॉकवाइज एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है। अमित जुमुले, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, गुड इवनिंग सर, वॉट इज द रीजन ऑफ नॉट फीलिंग थर्स्टी फुल डे एज 14? इट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। सी यू कैन, आपकी बॉडी जो है उसके अंदर मैकेनिज्म है, अगर आप पानी नहीं पीते हो, ड्राई फास्टिंग करते हो, सो योर बॉडी कैन मेक वाटर फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन एंड मसल्स, मसल तोड़ के प्रोटीन तोड़ के 1 ग्राम से कितना पानी बनता है, मेरे फास्टिंग वाले वीडियो में बताया मैंने, साइंस ऑफ फास्टिंग, यू कैन गो एंड वॉच दैट इन अदर चैनल। और इवन फैट तोड़ के पानी बनता है, तो पानी शरीर को मिल जाता है कहीं ना कहीं से, मसल भी टूटेगी, फैट भी टूटेगी, तो ये बात याद रखिए। लेकिन उस समय आपके किडनी पे बहुत लोड होगा, उस समय आपकी बॉडी पे बहुत लोड होगा, ये बात याद रखिए। सो यू माइट जस्ट सर्वाइव, राइट? लेकिन यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट डूइंग समथिंग हेल्दी, ये बात याद रखिए। सो प्यास लग रही, लगने का इंतजार कर रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। जब प्यास लगती है, याद रखना, जब आपको प्यास लगना शुरू होती है, तब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हो, डिहाइड्रेशन होती है, तब ब्रेन को सिग्नल जाता है भाई पानी कहाँ है, राइट? वैसा जैसे जमीन सूखती है तो इंसान देखता है यार बारिश नहीं आई, बहुत दिन हो गए, है ना? नॉर्मली नहीं दुखता बारिश नहीं आई वैसे। सो दैट इज वेयर द आइडिया इज। अच्छा नेक्स्ट, पहले अच्छा जो लोग पे कर रहे, पेमेंट वाले सवाल है वो भी पूछते रहिए, मैं भी अभी उसमें आऊँगा।
पहले पहले 10 सवालों के जवाब दूंगा, उसके बाद पेड सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। सो नंबर वन पेमेंट आ चुका है किसी का डोनेशन, तो वेरी गुड, सुपर चैट कर सकते हैं। अगर आपके पहले 10 सवालों में जवाब को सवाल नहीं आया है तो अभी भी आप सुपर चैट करके जो भी है डजंट मैटर 10, 20, 50, 60, 100, 200, 500, 1,000, 1,00,000, 2,00,000 जितना आपको डोनेट करना है आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है, डजंट मैटर। ओके सी आर पी What is the reason of not? ये हो गया CRP 14.6. CRP is C reactive protein. It's an acute phase reactant. Acute phase reactant वो होते हैं कि बॉडी में कुछ भी acute होगा, कहीं कुछ जल रहा है, कहीं कुछ बर्न हो रहा है, कहीं कुछ मान लीजिए डिजीज है, इन्फेक्शन है, arthritis है, inflammation है, gastritis है, pain है, bleeding है, कुछ भी है, it will increase, right? So इसको देखा जाता है आपके symptoms के हिसाब से, तो आपके symptom के बगैर नहीं बता पाएंगे। सौरभ जी अगर आपको symptom नहीं समझ में आ रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे डॉकवाइज में आके अपनी पूरी स्टोरी वहां लिख दीजिए, मैं आराम से पढ़ के आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, वरना आप फिजिशियन को भी दिखा सकते हो आसपास। डॉकवाइज एप्लीकेशन नीचे लिंक दिया है, पॉजिटिविटी नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके एक फोन नंबर भी दिया है, अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो फोन नंबर दिया है, वो नंबर पर कॉल करिए, वो लोग आपको हेल्प करेंगे सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। हेड एक बहुत जोरदार टॉपिक है, इस पर हमारा फुल डिटेल वीडियो है मिस्टर पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन, वो जाके देखिए। माइग्रेन हेड एक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसा तोड़ वीडियो बनाने वाला हूँ, धुआंधार वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो का इंतजार करिए। बाकी हेड एक के ऊपर वो वीडियो देखिए, उसमें से ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट, ऐसा कोई स्पेसिफिक सवाल होता तो मैं देता था, टॉपिक थोड़ी समझा सकते हैं यहाँ पे। राइट सर, कफ है क्या करूँ? कफ के ऊपर भी बहुत फुल डिटेल वीडियो है, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, फ्लू हो सकता है, राइट, गला ज़्यादा यूज़ कर लिया मेरे जैसा फिर कफ हो सकता है, पानी नहीं पीना हो सकता है, सो फाइंड आउट द रीजन, कफ वाला वीडियो देखो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कंसल्ट कर लो किसी डॉक्टर को, या मुझे डॉकवाइज पे कंसल्ट कर लो नीचे, सो आई विल गिव यू द ट्रीटमेंट। ऑलराइट सर, आई एम 20 ईयर ओल्ड, माय बीपी लिपिड क्या है, सौरभ जी पूछ रहे हैं, बीपी लिपिड फाइल इको आर नॉर्मल सम टाइम, क्या है सम टाइम, बहुत खतरनाक लिखा यार आपने, 20 साल बीपी है, लिपिड प्रोफाइल इको आर नॉर्मल, सम टाइम हार्ट रेट इंक्रीजेस 120, फील लिटिल चेस्ट पेन इन रेस्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इज दिस हार्ट टिश्यू। देखिए अगेन, इस उम्र में अगर ये सब नॉर्मल है तो और भी रीजन हो सकते हैं, यू माइट हैव सम ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी, पानी कम पीना, स्ट्रेस, फटीग, बहुत सारी चीज़ें, असेसमेंट करना होता है पूरे पेशेंट का। सो अगेन, एक डैश डाइट फॉलो करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, स्मोकिंग हो तो वो बंद करो, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे डॉकवाइज में कंसल्ट करो, फिर मैं देखूंगा आपकी बॉडी में क्या खराब है, फिर देखते हैं क्या है, फिर मैं आपको एक प्लान दूंगा, ठीक है। आई हैव गाइनो। मिस्टर शुभम पांचाल एक सवाल पूछ चुके हैं लग रहा है मुझे, आप ऊपर का आपका सवाल था कि नहीं था? नहीं था, अच्छा सौरभ कनौजिया था, मुझे सेम नाम लिखा। शुभम पांचाल जी का पहला सवाल, आई हैव गाइनो, गाइनेकोमास्टिया पे मेरा फुल डिटेल वीडियो है, वो जाके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज एंड हाउ एंड व्हाट टू डू। ऑलराइट, गाइनेकोमास्टिया, और थैंक यू, सेकंड डोनेशन आया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच हूएवर इज डोनेटिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, यू हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑल्सो। चेस्ट पेन होता है, ECG और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, अगेन चेस्ट पेन का मेरे फुल डिटेल वीडियो है एक, उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ये बात समझो, चेस्ट में मसल है, मांसपेशी है, नसें हैं, खून की नसें हैं, फेफड़े हैं, फेफड़ों के ऊपर हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर भी नसें हैं और उसके अंदर सब कुछ है, राइट, तो कहीं भी दर्द हो सकता है, सो हार्ट ज़रूरी नहीं है, तो ECG चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि और भी क्या नहीं हो सकता, तो ये ढूंढना पड़ता है, यही तो होता है डायग्नोसिस, यही तो होता है डॉक्टरों का काम, सो ऐसा नहीं मैं बता सकता ओके यही है, राइट, इट कैन बी एनीथिंग, सो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो टेस्ट कराओ, टेस्ट नहीं समझ आ रहे, डॉक्टर नहीं बता रहे, कंसल्ट मी ऑन डॉकवाइज, मैं ट्राई करूंगा बता दूंगा, राइट। बाकी चेस्ट पेन का डिटेल वीडियो ढूंढना है, कोई भी वीडियो ढूंढना है, चेस्ट पेन, किडनी, गाइनो, वाइनो, उस टॉपिक का नाम लिखो, डॉक्टर एजुकेशन लिखो, यूट्यूब के सर्च बार में मिल जाएगा वीडियो। सत श्री अकाल कुलवंत जी, माई डॉटर हैज इन्फेंटाइल हेमेंजियोमास नियर नोज आई, प्लीज हेल्प, ठीक है। हेमेंजियोमा एक बहुत ऐसी चीज है जिन्हें आपके डॉटर के खून की नसों में गुब्बारा बन गया है, ये समझ लो, खून की नसों में हेमेंजियोमा यानी खून की नसें से बड़ी होके एक तरीके का ट्यूमर बन गया है, जो कि खून की नसों का हेमेंजियोमा, एंजियोमा,
राइट, एक तरीके का ये कैंसर वाला ट्यूमर नहीं है, ये कैंसर वाला नहीं है, बिनाइन वाला होता है हिमेंजियोमा। लेकिन इसका क्या होता है, देखना पड़ता है कितने तेज बढ़ रहा है और अल्टीमेटली हो सकता है इसको निकालना ही पड़े। तो इसके लिए आपको सर्जन से बात करनी पड़ेगी कि आपके केस में साइज शेप वो क्या बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आप इसके लिए पीडियाट्रिक सर्जन से बात करो, दे विल हेल्प यू आउट। राइट राइट। हेलो सर, माई ड्राई माउथ इज ड्राई एट ड्राई टाइम, ये क्या बात हुई, ड्राई टाइम में तो ड्राई होगा, वेट टाइम में ड्राई नहीं होना चाहिए। अनूप सिंह जी, क्वेश्चन थोड़ा सा, पानी ज्यादा पीना शुरू करो, मेक श्योर टू ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर। ओके, केलॉइड गांठ का इलाज, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, केलॉइड इज हाइपरट्रॉफिक स्कार, हाइपरट्रॉफिक स्कार का इलाज पे फुल डिटेल वीडियो है जनाब, एक बार आप टाइप करिए केलॉइड बाय डॉक्टर एजुकेशन या हाइपरट्रॉफिक स्टार बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको। ऑल राइट, विक्की दत्ता सर, ऑयली स्किन वाले लोग 2 times फेस वॉश से और 1 time नॉर्मल पानी से मुंह धो सकते हैं? ना, बिल्कुल धो सकते हैं, ऑयली स्किन वाले 2 time फेस वॉश से, और बिल्कुल सही कहा आपने, पानी से तो जितनी मर्जी बार धो सकते हो आप, डजंट मैटर। ऑल राइट, पहले चेक करते हैं 10 सवाल हो गए कि नहीं हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 सवाल हो गए, वाह 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 वाह। अब हम देख लेते हैं पेड वालों का, उसके बाद फिर रैंडम सवाल लेंगे, जब तक अगर कोई पेड सवाल नहीं आ रहा है, कोई डोनेशन नहीं आ रहा है। दोस्तों याद रखिए, लाइक का बटन दबाया करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट तो लाइक बटन दबाइए। और पहला सवाल रोहित गोयल जी का, 40 rupees डोनेट किया उन्होंने, थैंक यू रोहित जी। एज 19, गॉट सिबोरिक डर्मेटाइटिस बाय आइसोट्रेटिनोइन साइड इफेक्ट। ओ हो, सी सिबोरिक डर्मेटाइटिस या आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हुई है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ आइसोट्रेटिनोइन, कई बार आइसोट्रेटिनोइन ट्रीट कर देता है उसको, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये उसी की वजह से है, बट डैंड्रफ नीड्स केयर, डैंड्रफ नीड्स प्रॉपर वॉश, उसके लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोफेशनल टिप्स, राइट। इवन मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, अब नहीं है, यू हैव टू सी कि भाई उसको कैसे ठीक करो। एवरीबडी, हर एक में एक इलाज काम नहीं करेगा, हर एक को दूसरे दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में चीज चाहिए, पर बेसिक चीज है कीटोकाइनाजोल, नाम याद रखो, कीटोकाइनाजोल का शैम्पू, कीटोकाइनाजोल का लोशन, मतलब शैम्पू में 10 चीजें हो, कीटोकाइनाजोल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो शैम्पू आपने यूज करना है हमेशा, जब भी बाल धो रहे हैं, और जैसे जैसे डैंड्रफ कम होते हैं नॉर्मल शैम्पू पे शिफ्ट करते जाना है, कोशिश करें डेली या एक दिन छोड़ के बाल धोएं, और लोशन अगर बहुत ज़्यादा है तो कीटोकोनाजोल प्लस चारकोल जिंक, इसका कोई लोशन होता है, जैसे कि डैंड्रफ प्लस लोशन है और बहुत सारे लोशन और आते हैं, वो आप लोशन सर पे लगा के 10 मिनट वेट करिए, 10-20 मिनट, और फिर धो लीजिए बाल, ठीक है। एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए प्रोफेशनल टिप्स बाय डॉक्टर एजुकेशन में एक वीडियो है डैंड्रफ वाला, वो जरूर देखिए। जगमोहन भंडारी जी ने भी 40 rupees डोनेट किए, थैंक यू। ओके, आलमंड ईट विथ और विदाउट स्किन विच इज गुड, हाँ ये मैंने ऑलरेडी वैसे समझाया हुआ है, बट गुड इज विद द स्किन, यस। रात भर भिगो के करने के स्किन निकाल के खाने की जरूरत नहीं है, आलमंड की स्किन में होती है फाइटिक एसिड, लोग इसलिए वो नहीं दिखाते क्योंकि उनको लगता है कि फाइटिक एसिड जो है वो एक एंटी न्यूट्रिशन चीज है, जो कि आपके बॉडी में जिंक और मैग्नीशियम कैल्शियम डबल आयरन 2+ iron वाली चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। फाइटिक एसिड पे हमने फुल डिटेल वीडियो बनाया है हमारे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे, आप फाइटिक एसिड बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करोगे मिल जाएगा, उसमें समझाया है कि वो उस तरफ ज़रूर थोड़ा सा कम करता है, ब्लॉक नहीं करता, 100% ब्लॉक नहीं करता, थोड़ा सा जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, लेकिन वो आपके बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट करता है, आपके डायबिटीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, एथरोस्क्लेरोसिस में, ब्लड प्रेशर में, इतनी सारी खतरनाक बीमारियों में आपकी हेल्प करता है। सो आपको क्या करना है, फाइटिक एसिड साथ में लीजिए, भगवान ने बनाया है कुछ सोच के बनाया है, ना तो दाल आपको भिगो भिगो के खानी है, ना ही किसी को भिगो भिगो के मत मारिए, ऑलराइट, इट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओके, प्लीज़ जाके वीडियो देखो आपको समझ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, राज कामले जी ने भी 40 rupees डोनेट किए हैं, थैंक यू सर। हिप्नोटिज्म टेक्निक इज यूजफुल एज साइंस, सी मैं हमेशा बोलता हूँ दिमाग में बहुत ताकत है, राइट। यू डोंट, या आपने भी सुना होगा, हम सिर्फ 1% 2% अपने दिमाग का पावर यूज करते हैं, तो कैसे, कोई तो होगा जो 3% करता होगा, वो अगर आपने इंग्लिश में वो एक मूवी आई थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा,
जो बढ़िया सी मूवी थी एक, वो जो ब्लैक विडो बनती है वो वाली जो हीरोइन है उसकी मूवी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा समहाउ, बट एनीवेज दैट मूवी शोज कि भाई अगर बढ़ता जाएगा तो उन्होंने एक फिक्शन ही नहीं सोचा दिमाग में लगा कि ऐसा होता होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा हो, बट देन द पॉइंट इज इफ यू यूज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ योर ब्रेन, इफ यू एक्सरसाइज योर ब्रेन तो ब्रेन की पावर बढ़ेगी, और एक तरीके से येस यू कैन अफेक्ट अदर्स. सो हिप्नोटिज्म इज अगेन अफेक्टिंग अदर्स. अफेक्टिंग अदर्स का मतलब है यू कैन एक्चुअली कन्फ्यूज अदर्स, यू कैन एक्चुअली रीड अदर्स, यू कैन माइंड रीडिंग भी पॉसिबल है और हिप्नोटिज्म भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है एज अ साइंस, राइट. हर एक नहीं कर सकता, हर एक नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा आप कितने कमजोर हो माइंडफुली, वो डिपेंड करेगा आप कितने पावरफुल हो, राइट. दैट इज द वे, किसी को डरा देने वाली बात है. जैसे आप चाहो बिना किसी को हाथ लगाए डरा सकते हो ना, बिना किसी को हाथ लगाए डरा सकते हो, बिना, जैसे आप किसी को, कोई हंस रहा हो तो आप पास में रो नहीं सकते, बहुत सारे लोग हंस रहे हो तो आपको भी हंसी आ सकती है, बहुत सारे लोग उबासी ले रहे हैं, एक आदमी ने उबासी ली आपको उबासी आती है, वो कैसे ट्रांसमिट होती है, ऐसे क्या है, वायरस है, नहीं सिग्नल है, ब्रेन के सिग्नल्स हैं, तो इसलिए ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं, राइट, जो हम अभी साइंटिफिक वे में समझा नहीं पाते क्योंकि उतना वो हम देख नहीं पाते, हम ईएमजी से देख सकते हैं लेकिन वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते आज, इसलिए हम उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन देर इज अ साइंस जो पहले था, जो ऋषि मुनियों का साइंस था, जो वो था वो पहले वाले साइंस में था, बिल्कुल था, कोई नहीं मना कर रहे, बिल्कुल था. आई आस्क्ड अबाउट मास्टरबेशन यस्टरडे इफ यू रिमेंबर, ट्राई टू टाइम्स टू कंसीव बट फेल्ड, एनी टिप्स? आई डोंट रिमेंबर एवरी क्वेश्चन, सो सॉरी मिस्टर भारत. यू ट्राई टू टाइम्स टू कंसीव बट फेल्ड, दैट दिस इज अ होल प्रोसेस, लाइक आई सेड मल्टीपल स्टेप्स, देर कैन बी एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप्स. आई विल एडवाइज इफ यू हैव नॉट कंसल्टेड अ गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्ट देम. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन सेंड ऑल द रिपोर्ट्स टू मी, आई विल सी इफ वॉट आई कैन डू आप ग्रॉकवाइज एप्लीकेशन पे. बट ये चीज ऐसी है जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपके हेल्थ, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके माइंड में जो थाट्स आते हैं वहाँ से लेके आपकी स्लीप, स्ट्रेस, हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है. सो इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, रिमेंबर दिस, राइट. So, okay, so you can just consult me on DocWise, that way I can help, or else एक अच्छे gynecologist को भी आप मिल सकते हो. Then next question आया है paid, ये भारत शर्मा जी ने 100 rupees donate किए, thank you Mr. Bharat. And Mr. Anirudh ji, उन्होंने 40 rupees donate किए. Can grey hair turn black again? Only by colors. And if it's not because of aging. If it is not because of aging, then yes. यानी क्या है, एक उम्र के बाद आपके बाल वाइट होने हैं, जैसे अब मेरे भी होने शुरू हुए हैं, तो मेरे होने शुरू हो गए तो हम काले कर लेते हैं उसको डाई करके, लेकिन अगर आपकी यंग एज में 10 साल 5 साल 6 साल इतनी छोटी उम्र में वाइट हो रहे हैं बाल, सो समथिंग इज डैमेजिंग द सेल्स जो मेलानिन बना रहे हैं उस बाल में. इफ यू कैन स्टॉप दैट, if you can stop and find that and stop that, तो yes it can again become black. I hope you got my point. ऐसे हो सकता है, but it's very difficult to find that. So you have to overall बहुत सारी चीजें देके try करना, trial error, right? That is why things. एक premature graying पे मेरा video है, वो आप देखिए, premature graying of hairs, उससे आपको समझ में आएगा what all can do that. Next Mr. भारत जी का हो, कपिल अग्रवाल जी को थैंक यू, उन्होंने 40 रुपीज डोनेट किया है विदाउट एनी क्वेश्चन टू आस्क वन क्वेश्चन. आप सवाल पूछ सकते हैं. हाँ, जयंता चैटर्जी, जयंता जी ने 50 रुपीज डोनेट किया, उन्होंने पूछा है सर डज केगल एक्सरसाइज हेल्प मैन? यस ऑब्वियसली, केगल एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि आप बेसिकली अपने जो मसल्स हैं, इनर पेल्विक मसल्स हैं, यानी कि अगर आप अपने पैरों के बीच में तकिया रख के दबाओ, राइट, या फिर यूरिन जब आ रहा है तो उसको कंट्रोल कर रहे हो, यानी पेशाब रोक रहे हो, ऑल्दो पेशाब बहुत देर तक रोकना अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी पेशाब जाते हो 2 मिनट के लिए रोक रोक के एक्सरसाइज कर लीजिए ना, रोका छोड़ा रोका छोड़ा रोका छोड़ा, है ना, उस तरह से, तो दैट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इट हेल्प्स, आपको प्रोलैप्स नहीं होगा, आपको अगर बाद में दूसरी कोई भी चीज़ हो रही है, मान लो हीमोरॉइड्स हो रही है, तो वो भी प्रोलैप्स के चांसेस के कम होंगे, या वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो अल्टीमेटली वहाँ की मसल्स की एक्सरसाइज करना ऑब्वियसली बेटर है. कोई भी तरीके की एक्सरसाइज गलत नहीं होती, उससे साइड इफेक्ट नहीं होते, सो एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेटर, एनी एक्सरसाइज, इवन फेस एक्सरसाइज इज बेटर. ये क्या हुआ, अच्छा ओके, नेक्स्ट कोई सवाल है? नहीं है.
सो थैंक यू सो मच गाइज, पेड सवाल भी हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, आज बहुत अच्छा रहा, बहुत सही सेशन रहा है। जितने लोगों के सवाल नहीं पूछे गए, नहीं वो पहले 10 में आए, निराश ना होइए, डॉक वाइज एप्लीकेशन अभी भी है और हम कल भी लाइव आएंगे जैसे हमेशा आते हैं। और आपको क्या करना है, बेल का दम दिखाना है, बेल आइकन दबा के रखिए, यूट्यूब चैनल पे हमारे जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन से पहले हम अपनी स्टोरी पे, आपने इंस्टाग्राम पे या कम्युनिकेशन कम्युनिटी सेक्शन पे बता देते हैं कि कितने बजे के आसपास लाइव आएंगे, और लेट हो रहा है तो बता देते हैं कि लेट हो रहा है, तो आप फॉलो करेंगे तो आप पकड़ लेंगे हमें, आपका काम है पकड़ना, हम आपको जवाब दे देंगे। ऑलराइट, स्टे करेक्टेड, स्टे हेल्दी गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।